आईपीएस बनना लक्ष्य नहीं है मैम, लक्ष्य तो देश को सुधारना है। अगर इंडिया पहली कोशिश में मार्स पहुंच जाता है तो क्या होगा? ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है मैम। और सिलेक्ट नहीं हुए तो? कोई बात नहीं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा मैं। लास्ट अटेम्प्ट है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? आईपीएस बनना लक्ष्य नहीं है मैम, लक्ष्य तो देश को सुधारना है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं गांव जाके टीचर बनूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा कि चीटिंग छोड़नी होगी, और अगर वो उस उम्र में ये बात समझ जाएंगे तो जीवन में कभी चीटिंग नहीं करेंगे। और ये बात मुझे तब सूझी जब एक दिन नेहरू विहार की लाइट चली गई थी और मैं स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ रहा था कि इफ आई कैन नॉट बी द सन दैट लाइट्स अप द अर्थ, इफ आई कैन नॉट बी द सन दैट शाइन्स अपॉन द अर्थ, आई कैन स्टिल बी अ लैम्प एंड लाइट अप माय स्ट्रीट। गुड। मैं 16 साल का था, बॉम्बे गया था सीसीआई कैंप के लिए। वहां पे दिन भर बॉलिंग करने के बाद 2 रोटी मिलती थी खाने में। मैंने कहा ये क्या है? मैं गया कैंप के हेड के पास, केकी तारापुर नाम था उसका। मैंने कहा सर मैं फास्ट बॉलर हूँ, 2 रोटी से मेरा क्या होना है? वो मुझ पर हंस पड़े, कहता बेटे इंडिया में फास्ट बॉलर नहीं होते, जितना मिल रहा उतने से काम चला ले। मैंने कहा सर मैं काम चलाने नहीं आया हूँ यहाँ पे। मैं लड़ा, 2 रोटी की 4 कराई, और फिर 4 साल बाद जब इंडिया के लिए 100 विकेट पूरे किए, मैं वापस गया सीसीआई, मिला तारापुर से, कहा सर थैंक यू, आज आपकी वजह से इंडिया में फास्ट बॉलर हैं। रूम आज मुझे कोई कहता ना ये इंडिया टीम क्या है कुछ नहीं करेगी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जवाब मैंने ग्राउंड पे देना है। जब कोई ये कहता ना कपिल इतना किया बहुत किया, तब मेरा दिमाग फेर जाता है। इतने उतने में खुश रहेंगे तो यही होना है। 18 साल एक टेलीफोन लाइन के लिए, इतना उतना करने नहीं आया हूं मैं यहाँ पे। ऐसी बातें जब कोई करता है ना मुझसे उसका मुंह तोड़ देने का। ओ हेलो, इंडिया पीछे और पीछे ही रह जाएगा अगर हमने छलांग नहीं मारी। सर आज तक दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं है जो पहली ही कोशिश में मार्स तक पहुंच पाया। और रूपर्ट साहब ने अभी अभी बताया सर, रशिया 8 बार, अमेरिका 4 बार, चाइना स्टिल ट्राइंग। जरा सोचिए सर, अगर इंडिया फर्स्ट अटेम्प्ट पहली कोशिश में मार्स पहुंच जाता है तो क्या होगा? जी हाँ, इंडिया से थर्ड वर्ल्ड कंट्री, डेवलपिंग नेशन, चीप लेबर का देश, ऐसा छोटा मोटा काम होता है ना 1800 नंबर पे, वो 1-800 हेलो मैडम हाउ मे आई हेल्प यू, फिर हम सोचते हैं कि पेप्सिको का वर्ल्ड वाइड हेड कौन है, यूनिलीवर कौन चला रहा है, कौन चला रहा है मास्टर कार्ड, अडोबी, वोडाफोन, डॉश बैंक। अगर किसी को नहीं पता तो गूगल कर लीजिए ना, और लगे हाथ ये भी गूगल कर लीजिए कि गूगल का हेड कौन है, वो भी एक इंडियन ही है। कोलंबस भी इंडिया की खोज में निकले थे, पता नहीं अमेरिका कैसे पहुंच गया।